हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या किस अंक से डिवाइड हो रही है, यानी किस अंक का उस संख्या में पूरी तरह से भाग जा रहा है। तो हम दोस्तों एक कुछ सिंपल ट्रिक्स और कुछ रूल्स हैं, उनके द्वारा आपको बताएंगे कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या को भी हम कैसे पता कर सकते हैं कुछ ही सेकंड में कि वह किस अंक से डिवाइड हो रही है। और ये दोस्तों आपके लिए नंबर सिस्टम के कई बड़े से बड़े कठिन प्रश्नों को सॉल्व करने में ये रूल्स और ट्रिक्स आपको यूजफुल रहेंगे। तो एंड तक देखिएगा वीडियो को और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दो से विभक्त होने के नियम। तो दोस्तों यदि कोई ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, कोई भी संख्या है जिसमें इकाई का अंक सम संख्या है, यानी 0, 2, 4, 6, 8, तो वह संख्या दो से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। इतना सिंपल सा रूल है। यदि बस आपको इकाई का अंक देखना है, यदि ये इवन नंबर है यानी सम संख्या है, तो आप इसको दो से पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं, यानी दो का पूरा पूरा भाग इसमें चला जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक हमारे सामने अंक है 97,556, तो इसमें इकाई का अंक हमें दिख रहा है 6, यानी इवन है यानी सम संख्या है, तो ये दो से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। और एक और संख्या देखते हैं, ये है 973, तो दोस्तों ये दो से डिवाइड नहीं होगी क्योंकि इसके इकाई का अंक इवन नहीं है। संख्या है हमारी 182, तो इसके आखिरी में भी दो है यानी सम संख्या है, तो ये भी दो से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। दोस्तों बस इतना सा रूल से, इसका ज़्यादा एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं तीन से विभक्त होने के नियम। तो दोस्तों कोई संख्या है, उसके जो अंकों का हम टोटल करते हैं, अंकों का टोटल जो है वो तीन से पूरी तरह से डिवाइड होता है, तो वह संख्या भी तीन से डिवाइड होगी। जैसे हम संख्या लेते हैं एक है 756, तो इसके हम अंकों का टोटल करते हैं 7, 5, 12 और 6, 18, ये जो 18 आ रहा है ये तीन से डिवाइड हो रहा है, 6, 3, 18, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है वो भी तीन से डिवाइड होगी। एक और देख लेते हैं हम, ये 84 संख्या है, तो 84 में अंकों का हम योग कर यानी टोटल करते हैं, ये 8, 4, 12, तो जो 12 है वो तीन से डिवाइड हो रहा है, तो ये 84 संख्या भी तीन से डिवाइड होगी। वे एक बड़ी संख्या है 75,684, तो इसके अंकों का टोटल करते हैं, इसके अंकों का टोटल आता है 7, 5, 12, 6, 18, 18 और 8, 26 और 4, 30, जो कि 30 टोटल आ रहा है, 30 जो है वो तीन से पूर्णतः डिवाइड होता है, तो ये जो संख्या है ये भी तीन से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, यानी तीन का भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा। तो दो और तीन से विभक्त होने के जो रूल्स हैं वो बड़े सिंपल से हैं। दो में बस आपको सम संख्या देखनी है और तीन में देखना है आपको अंकों का योग तीन से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अब आते हैं हम चार पे। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि किसी संख्या की इकाई और दहाई से मिलने, इकाई और दहाई का अंक है जो, उससे जो संख्या बनती है तो वो चार से पूरी तरीके से डिवाइड होनी चाहिए, यानी चार का भाग इकाई और दहाई से मिलकर बनने वाली संख्या पे पूरी तरह से भाग चला जाना चाहिए। हम देखते हैं जैसे संख्या है हमारे पास 932, तो आखिरी में इसमें 32 है जो कि चार से डिवाइड होता है, यानी इस संख्या में भी चार का पूरा भाग चला जाएगा। अब एक और हमारे पास संख्या है 254, तो 254 में जो इकाई दहाई अंक से मिलने वाली संख्या है 54, ये चार से विभक्त नहीं होती है, तो ये जाहिर सी बात है ये पूरी संख्या भी चार से डिवाइड नहीं होगी, यानी चार का भाग इसमें नहीं जाएगा। चार का भाग केवल उन संख्याओं में जाएगा जिनमें आखिरी के जो दो अंक हैं उसमें चार का भाग चला जाएगा। इसी प्रकार आठ से भाग देने के नियम है। दोस्तों चार में हम ये देखते हैं कि आखिरी की दो संख्याएं कि इकाई और दहाई की दो अंकों से बनने वाली संख्याएं चार से डिवाइड होनी चाहिए, और आठ से डिवाइड करने में हम ये देखते हैं कि इकाई दहाई और सैकड़ा यानी तीन अंकों से मिलने वाली संख्याओं में
आठ का भाग जाना चाहिए। तो ये भी हम इसी के साथ में देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है 5416, तो ये संख्या में जो आखिरी के तीन अंक है 416, ये 8 से डिवाइड होते हैं, आप करके देख लीजिएगा। तो ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। एक और बहुत बड़ी संख्या है, ये है 67,95,416। बीसवीं भी दोस्तों 416 जो है वो 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अब हमने 4 और 8 देख लिया, अब आते हैं हम 5 पे। कोई भी संख्या 5 से जब डिवाइड होगी, जब उसके इकाई का अंक 0 या 5 होगा, तो इसमें हमें केवल इकाई का अंक देखना है। यदि 5 या 0 है तो वो 5 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। कोई भी संख्या ले लो, जैसे 335 हो गया, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 336 है, ये 5 से डिवाइड नहीं होगी। 540 5 से डिवाइड हो जाएगी। 541 डिवाइड नहीं होगी, यानी इसके अंत में यह इकाई का अंक 0 या 5 है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। बात करते हैं 6 अंक से डिवाइड होने वाली संख्याएं। जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होती है वो 6 से भी डिवाइड होगी। ये बस इतना सा रूल्स है इसका कि आपको बस देखना है कि वो संख्या 2 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी पूरी तरह से डिवाइड हो रही है, तो वो 6 से 100% डिवाइड होगी। अब देखते हैं कि 7 से डिवाइड होने का क्या रूल्स है। तो दोस्तों इसमें हम ये देखते हैं कि कोई संख्या है उसके इकाई के अंक का हम दोगुना करते हैं और बाकी बची हुई संख्या में से उस दोगुने किए हुए अंक को माइनस कर देते हैं, यानी घटा देते हैं। तो हमारे पास जो संख्या बचती है यदि वो 7 से डिवाइड हो रही है पूरी तरह से, तो यह पूरी संख्या भी 7 से पूरी तरह से विभक्त होगी, यानी 7 का पूरा भाग पूरी संख्या में चला जाएगा। संख्या है 882। इसमें आखिरी के ये इकाई का जो अंक है 2, उसको दोगुना कर दिया यानी 4। 88 में से 4 माइनस करेंगे, बचेगा 84। 84 में 7 का पूरा भाग जा रहा है, यानी 882 में भी 7 का पूरा भाग चला जाएगा। संख्या है 663। इसको इकाई का अंक है 3। 3 को दोगुना करेंगे हो जाएगा 6। इसमें से 66 को घटा देंगे तो आया कितना 63, तो बचा कितना 60। ये 7 से पूरी तरह से भाग नहीं जाता इसमें, तो यानी पूरी संख्या में भी 7 से पूरा भाग नहीं जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि इकाई का अंक को दोगुना करके बाकी संख्या में से माइनस करके देखेंगे कि इसमें 7 का भाग जा रहा है कि नहीं। यदि उसमें जाएगा तो ये पूरी तरह से पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों 9 से डिवाइड होने के रूल। तो दोस्तों कोई संख्या है उसके अंकों का टोटल करें, तो वो यदि उसका टोटल 9 से पूरा विभक्त हो जाता है तो वह संख्या भी 9 से पूरी तरह से विभक्त हो जाएगी। इसमें भी दोस्तों जैसा तीन से भाग देने का नियम था कि वैसे ही है, तीन में अंकों का टोटल 3 से विभक्त होना चाहिए और 9 अंक जो है इसमें अंकों का टोटल 9 से विभक्त होना चाहिए। संख्या है 754,623। इसमें हम अंकों का टोटल करते हैं 7, 5, 12, 4, 16, 6, 22, 24 और 3, 27। दोस्तों ये इसका टोटल आया 27। तो ये 9 से पूरी तरह से डिवाइड होता है, तो यानी ये जो बड़ी संख्या ये भी 9 से पूरी तरीके से विभक्त होगी। तो इसमें आपको केवल ये देखना है कि अंकों का टोटल जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखते हैं 11 के नियम। तो दोस्तों कोई संख्या 11 से जब डिवाइड होगी, जब सम स्थानों के अंकों का जो टोटल है और विषम स्थानों के अंकों का टोटल दोनों का यदि अंतर शून्य आता है, या 11 से डिवाइड होने वाली कोई संख्या आती है, तो वह पूरी संख्या जो है वो 11 से पूरी तरह से डिवाइड होगी। एक संख्या है 2,36,97,069। इसमें दोस्तों सम स्थानों पर जो अंक है उनका हम टोटल करते हैं और विषम स्थानों पर जो अंक है उनका टोटल करते हैं। एक साइड हमने लिया 2, 6, 7, 6, इनका टोटल किया हमने,
या केस और अब बाकी का जो विषम स्थानों पे जो अंक है जैसे 3, 9, 0 और 9, इसका हमने टोटल किया ये भी 21 आया, तो इन दोनों का जो अंतर है वो 0 आएगा। 21 में से 21 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, यानी ये संख्या जो है वो 11 से पूरी तरह से ब्लॉक्ड हो जाएगी, यानी 11 का पूरा पूरा भाग इसमें जाएगा। अब यदि ये जो अंतर है वो ऐसी कोई संख्या आया होता है जो कि 11 से डिवाइड होता है, यानी 11, 22 या 33 ऐसा कुछ, तो भी ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाती। और दोस्तों ये तो थे 2 से लेके 11 अंक तक के अंक से डिवाइड होने वाली संख्याओं को पहचानने के नियम। तो दोस्तों इन तरीकों से हम कुछ ही सेकंडों में पहचान सकते हैं कि कौन सी संख्या जो है वो किस अंक से पूरी तरह से डिवाइड हो रही है। और आपको बता दें दोस्तों, 0 अंक है उसका किसी भी संख्या में भाग नहीं लिया जाता, कोई भी संख्या उससे डिवाइड नहीं होती, और आप डिवाइड करेंगे भी कैलकुलेटर में तो आपको 100 होता है, कैन नॉट डिवाइड बाई 0। और किसी संख्या को 1 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो आंसर है वो वही पूरा पूरा संख्या आती है। तो दोस्तों ये रूल्स आपको नंबर सिस्टम में कठिन से कठिन क्वेश्चनों को सॉल्व करने, उनको डिवाइड करने में आपको ये यूजफुल रहेंगे। इसी होप के साथ मैंने ये वीडियो बनाई, बस अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।